सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, वह अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो टू द इशू 11वें पृष्ठ की पहली पंक्ति पर हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को हम उनकी चेतना के साथ ऊर्ध्वारोहण करके ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तदनुरूप साधना के द्रुपद पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, अवाइल विड्रॉन इन सीक्रेट फील्ड्स ऑफ थॉट, हर माइंड मूव्ड इन अ मैनी इमेज्ड पास्ट दैट लिव्ड अगेन एंड सॉ इट्स एंड अप्रोच ड्यूरिंग इट लिव्ड इम्पेरिशबली इन हर ट्रांसाइंट एंड वैनिशिंग फ्रॉम ट्रांसाइंट आईज इनविजिबल अ फैटफुल घोस्ट ऑफ सेल्फ इट बोर द फ्यूचर ऑन इट्स फैंटम ब्रेस्ट। कुछ पूर्व का कैंटो वन का संक्षिप्त भाव साथ लेकर हम आगे बढ़ते हैं सरल भाव की ओर। सावित्री द्वारा सत्यवान वर्ण निश्चय पर उपस्थित दिव्य लोक से पधारे देवर्षि नारद द्वारा सत्यवान के जीवन की 12 मास अवधि ही शेष बची, इस उद्घोषणा कर देने के उपरांत भी अवतरित हुई यह महाशक्ति सावित्री सत्यवान का ही वर्ण करने का निश्चय करके अपने निश्चय पर दृढ़ बनी, राजभवन छोड़कर लौटकर निर्जन वन की ओर सत्यवान के साथ रहने के लिए प्रस्थित हो गई। भावी संकट के ज्ञान से पूर्व अब तक दुख पीड़ा से रहित जीवन यापन करने वाली सावित्री के जीवन में भी अब दुख पीड़ा तथा जीवन पर काल से लदे जुए का अनुभव सावित्री को होने लगा था। सत्यवान के साथ वन प्रांत में निवसित होकर दिन प्रतिदिन तिल तिल कर आने वाले भावी संकट के बोध से ग्रसित सावित्री का सत्यवान के साथ कब एक वर्ष व्यतीत हो गया पता न चला, किंतु यह वह दिवस आ उपस्थित हुआ था जिस दिन सत्यवान को काल के गाल में समा जाना था। भोर होते ही इस विकट संकट के स्मरणों उपरांत क्षण भर को
इस जगत हलचल से पीछे हटकर अंतर के निगुई चिंतन क्षेत्रों में उसका मन अतीत के जीवन आरंभ वेला से लेकर अब तक के जीवन व्यतीत हो गए क्रियाकलापों पर बचपन यौवन और भाग्य से सत्यवान से मिलन तथा विवाहोपरांत व्यतीत किए 364 दिवसों के प्रेम तथा मृत्यु छाया में बिताई स्मृतियों के प्रवाह के नाना रूपी रंगों रूपों में एक बार फिर से इन 364 दिन के अंतर के 364 दिन के प्रातः काल अंतर के निगुई चिंतन में अब सावित्री ने पूरा अतीत जी लिया। बिताई स्मृतियों के अब लुप्त होते चलचित्र समान समाप्त हुए क्षण मरते हुए भी पूर्व संचित संस्कार अक्षयपन के साथ सावित्री के संग अंतर में जीते थे। पूर्व की पूरी स्मृति उसके अंदर रखी हुई थी। वर्तमान अनुभूति में पिछली एक वर्षीय जीवन स्मृति के विचार अनुभूतियां क्रियाकलापों ने उस पर अपना एक स्थायी चिन्ह छाप छोड़ा था। अर्ध अवचेतन की जमी हुई गाद से उभर उभर कर महर्षि देवर्षि नारद के शब्द गुंजरित होते रहते थे, जिसका मनन करते हुए न केवल वर्तमान आज का यह दिवस आ उपस्थित हुआ था, अपितु निकट भविष्य की कल्पना भी दृष्टिगोचर हो रही थी। काल के गाल में समा जाने वाला था सत्यवान। इस दिवस के आने पर सत्यवान का जीवन समाप्ति इसकी देवर्षि नारद की वह वाणी सावित्री के कर्ण कोहरों में गुंजरित होती रहती थी और गुंजरित होकर उसकी सत्ता में संस्कारवश छाप बनकर इसका उसके चित्त पर होने वाली उत्तेजना उपरांत म्लानता उसके व्यक्तित्व में व्याप्त थी, जिसने सब समय अमर बनकर ये जो सावित्री को देवर्षि के शब्दों की उच्चारण थे वो शब्द जैसे अमर बन गए, उसके अंदर बार बार उभर कर गुंजरित होते रहते थे। जिसने सब समय अमर बनकर उसके अंदर जीवित बने रहने का श्रम किया था, उसकी स्मृति में पूर्व जिए जीवन की हर एक क्षण की खुशबू इस तरह बसी रहकर शने शने आज दिवस तक एक अक्षयपन के संग सतत सावित्री के अंदर इस अशुभ की स्मृति मरकर भी जीती रही।
त्रिवर्षी नारद का सत्यवान के जीवित रहने का एक वर्ष का उद्घोष क्षण भर कर जीवन बस अपनी नश्वर आंखों से उस समय ओझल हो गया था, किंतु वह अदृश्य बनकर जिसने प्राण हरने वाले आत्मघाती परिणाम बनकर स्वयं की छाती में अंतःकरण में भविष्य को प्रभावित करने वाला यह अदृश्य आत्म प्रेत की छाया बनकर आने वाले अनिष्ट भावी का अनजाने भविष्य का वह अपने हृदय में वहन करती थी, जिसने मन में काल्पनिक आकृति के बारंबार उभर उभर कर आने से सावित्री के हृदय को अनजाने भविष्य की चिंता से गहराई तक विदीर्ण करके छेद दिया था। शेरविंद ने अपने कथन को प्रतीक में सजित किया है। उस प्रतीक का कुछ भाव हम ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात सृजित सृष्टि में अस्तित्वधारी प्रत्येक मानव जन्म से यौवन तक बिना काल पीड़ा से जीवन यापन करते हुए बढ़ती आयु में शने शने दुख पीड़ा से पीड़ित रहकर स्वयं का काल द्वारा पीछा किए जाने की स्मृति लिए जीवन के कोलाहल से पीछे हटकर गहन चिंतन मनन करते हुए अंतर्मुखी बनकर सतत प्रवाहमान विचारों के पीछे हटकर जब साक्षी दृष्टा उदासीन बनकर भीतर निवसित चैत्य पुरुष के प्रकाश से मन बुद्धि को प्रदत्त पूर्ण रहस्यमय चिंतन क्षेत्रों में न केवल वर्तमान अपितु पूर्व जन्म मरण की अतीत की नानाकारी रूपों रंगों में जब चैत्य पुरुष का जागरण हो जाता है, अंतरात्म पुरुष का साक्षात्कार करके आत्मा की साक्षात्कार की अवस्था आ जाती, तब गीता में इस संबंध में कहते हैं भगवान, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मोह नष्ट होकर स्मृति लौट आती है। अनेक अगिनत पूर्व जन्मों को वर्तमान से लेकर जीवन जहां से हमने आरंभ किया था वहां तक के जीवन तक की स्मृति जागृत हो जाने से बस पूरा का पूरा अतीत एक बार पूरे मनस्पटल पर जीवंत होकर प्रकट हुआ, अर्थात फिर से बारंबार काल गाल में जीवन धारण कर करके समा जाने के अपने अंत को अत्यंत निकट से यहां से वहां तक पूर्व के अनेक जीवनों तक इन जीवित हुए क्षणों में प्रत्येक मानव के अंदर स्थित
अंतरात्मा सावित्री जी लिया, सावित्री ने एक क्षण जीवंत होकर जी लिया, बिल्कुल निकट से देखा। चैत्य आत्मा सावित्री के जागृत स्मृति बोध ने कुछ ही क्षणों में आरंभ से वर्तमान तक के चित्र दृश्य ने उपस्थित होकर वर्तमान जीवन में आने वाली मृत्यु के अन जाने पल की प्रतीक्षा की काल्पनिक सत्ता वाली, पता नहीं काल किस रूप में आएगा, इस रूप में आएगा, उस रूप में आएगा, काल्पनिक सत्ता वाली अस्तित्व ने सावित्री अर्थात चैत्य आत्मा को गहराई तक भेद कर विदीर्ण कर दिया था। यह पूर्व की जागृत हुई स्मृति जो अक्षयपन से सृजन आरंभ में आरंभ हुए मानव जीवन से लेकर आज तक जीवंत होकर जीवित ही बनी रही थी सावित्री के अंदर। पूर्व मानव जीवनों की स्मृति जागरण से प्रत्येक बार मृत्यु को प्राप्त हो चुकने की देखत भूलत, इस जीवन में तो उनकी स्मृति हमें नहीं है, लेकिन जब नष्ट का मोह नष्ट हो जाए तो स्मृति का जागरण हो जाता है। तो पूर्व जीवनों के समस्त दर्शन को मनस पटल पर कुछ ही क्षणों में अंकित हो जाता, ऐसा वह जीवित होकर कहां से कहां तक अब भी विद्यमान है। हमें अभी पता नहीं है कि हम कहां से चले आ रहे हैं, कैसे जिए हम, किस किस प्रकार से जीवन यहां तक हमारा आया है, लेकिन वो जैसे कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, कहां से कहां तक अगर कहीं खो भी जाए तो हम ढूंढ के ले आते हैं। तो इसी प्रकार से ये हमारा जो चैत्य पुरुष है, इसकी स्मृति में वह सब खचित रहता है, केवल साक्षात्कार पर जागृत हो जाता है और मनस पटल पर चित्रपट पर उपस्थित होकर पूरा विवरण जागृत होकर देखा जा सकता है। इस ज्ञान जागृत जागरण से प्रभावित न हुए मन से, अभी हमारा मन कैसा है कि ये ज्ञान जो अभी जागृत हुआ है ना, इससे अब तक वो अप्रभावित था, मन को पता ही नहीं है कि हम कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। यह ज्ञान सदैव ही अदृश्य बना रहता है मन के सामने, यह आत्मा पर सत्ता नश्वरता का मरण धर्मा स्व आत्मा पर छाया विधि का भाग्य का भूत प्रेत बना अदृश्य रहता है ना। कब जागृत होता है, तब आत्म साक्षात्कार के उपरांत ही जागृत होता है, लेकिन ऐसे जागृत होता है कि था ही नहीं और अब कहां से आ गया। ऐसे आत्म जागृति पर प्रकट हुए इस संपूर्ण ज्ञान ने जन्म मरण के स्मरण को, चैत्य आत्मा को, सावित्री को गहराई तक भेद कर विदीर्ण कर दिया था। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं समाप्त करते हैं। आवान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के द इशू
बुक वन कैंटो टू के प्रारंभिक पंक्तियों का कुछ सार उनकी चेतना के साथ ऊर्ध्वारोहण करके देखने जानने सीखने समझने का प्रयत्न किया। अवतरित हुई इस दिव्य चेतना से हम निवेदन करें, अवतरित हुए इस ज्ञान विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराए, ताकि जब जब इस ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह विज्ञान जागृत होकर साधना के द्रुपद पर हमारा नेतृत्व करे। इसी मनोभाव से कुछ पल के लिए हम ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहे।